नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको बता रहा हूं बड़ी खबर। आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, धड़ाधड़ बैठ के कर रहे हैं। अभी एक बार फिर वो राज्य के जो पार्टी कार्यालय में, जेडीयू के पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं और बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। यानी रणनीति तय की जा रही है, धड़ाधड़ रणनीति बदले जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा और आरसीपी सिंह को कमान दे दी, उसके बाद से आरसीपी सिंह पूरे एक्शन में है। और आरसीपी सिंह दरअसल अभी जो है बड़े बड़े बदलाव की भी जो उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि दरअसल 10 तारीख को जेडीयू की बैठक होने वाली है राज्य कार्यकारिणी की। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम तरह की बातें सामने आई और बहुत कुछ निकल कर सामने आया। दरअसल जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उस वक्त ही अरुणाचल का धमाका हो गया, तो उसके बाद वो जो बैठक थी वो उस मुद्दे पर ही इर्द गिर्द, उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही और तमाम उस तरह की जो वहाँ पर रणनीति तैयार की गई थी, विपक्ष के खिलाफ अब किस तरह से हमला बोलना है या फिर खुद जो बीजेपी के साथ सरकार है तो बीजेपी के खिलाफ अब क्या रणनीति होगी, बीजेपी के साथ रहकर उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति चलनी होगी, ये तमाम बातें हुई थी। तो अब एक बार फिर राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसके पहले पूरे एक्शन में है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह आज भी बैठक कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल जेडीयू के अंदर देखने को मिलेगा, बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये संकेत बार बार मिल रहे हैं कि जदयू में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल जो पार्टी की जो चुनाव में अगर कहा जाए कि पार्टी की हैसियत घट गई है तो उस पर पूरा मंथन किया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। अब राज्य कार्यकारिणी की बैठक में वो जो मंथन है वो कार्यरत वो मतलब मूर्त रूप उसका देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब है पार्टी में बदलाव हो रहे हैं। बड़ा युवाओं को बड़ा जिम्मा दिया जा सकता है, पार्टी में बड़े बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं, तमाम पदों पर जो है चेहरे बदले जा सकते हैं, ये तमाम बातें आ रही हैं सामने। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो पार्टी की रणनीति है उसके तहत जो है कई पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को लाया जा सकता है। ये जो बैठक होगी तो उसमें सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अध्यक्षता में बैठक होगी जो 10 तारीख को होने वाली है। बड़ी बैठक है, बड़ी नज़र इस पर सबकी नज़र है क्योंकि इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद के सभी सदस्यों के साथ साथ पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद, क्षेत्रीय प्रभारी, बिहार के राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी के पराजित उम्मीदवारों को भी शामिल होना है। यानी बड़ा मंथन एक बार फिर होगा 10 तारीख को, जो बैठक होगी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की, उसमें उस बैठक के बाद जेडीयू के अंदर तमाम तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। खैर, आरसीपी सिंह ने कमान संभाल रखी और आरसीपी सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार मंथन किया जा रहा है और लगातार आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि आरसीपी सिंह एक बार फिर बैठक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बैठक की थी, लगातार बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने कई जिलों में इसका जो बैठकें हो रही हैं उसका एक्शन भी दिखा है। कई जिलों में जो है कार्यकारिणियां थी, जो वहां का जो एक पार्टी का संगठन था उस पर जो है जो डंडा भी चला है। तो ये तमाम बातें आ रही हैं, हम आपको धीरे धीरे तमाम वो बातें धीरे धीरे बताएंगे कि क्या कुछ जेडीयू के अंदर हो रहा है। पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।